अपन लोग पिछले कुछ महीनों से प्रभु यीशु की जीवनी का अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु यीशु की जीवनी कई अलग अलग बातों से मिलकर बनी है, जैसे चरित्र या हिस्ट्री। दो, प्रभु ने जो आश्चर्य कर्म किए थे। तीन, प्रभु के विरोधियों ने प्रभु के विरुद्ध जो कुछ किया था। चार, प्रभु ने जो शिक्षाएं दी थीं। प्रभु लगभग 3.5 साल तक दिन रात शिक्षाएं देते रहे थे, लेकिन प्रभु ने जो शिक्षाएं दी थी उसमें सबसे लंबा रिकॉर्ड जो हमको मिलता है उसको अपन हिंदी में पर्वतीय उपदेश बोलते हैं, क्योंकि एक पहाड़ के ऊपर बैठकर उन्होंने जनता को ये उपदेश दिया था। पर्वतीय उपदेश में शुरू का पोर्शन हमने पिछले हफ्ते देखा था, जहां हमने देखा था धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। पर्वतीय उपदेश का हम पूरा अध्ययन करेंगे, लेकिन जिस क्रम से प्रभु ने बोला है उस क्रम से नहीं, बल्कि मैं उसमें से बीच बीच में अलग अलग हिस्से चुनकर आपके सामने रखूंगा। इस तरह से चुनाव के पीछे मेरा अपना कारण है, जो बाद में कभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज पर्वतीय उपदेश में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे आपके संसार में जो जीवन है ये उससे संबंध रखता है। जब हम संसार में जीवन बिताते हैं तब संसार में रहते हुए भी हमारा जीवन सांसारिक नहीं होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। इसके बारे में पर्वतीय उपदेश में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिनमें से एक बात आज मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती शुभ संदेश के 5वें अध्याय के 13वें पद में हम देखते हैं, आपके पास जो हिंदी बाइबल है उसमें उत्तरार्ध या नए नियम में 7वें पन्ने पर है ये। अब तो उसको निशान लगा लीजिए, क्योंकि ये जो 5, 6, 7 अध्याय है आने वाले हफ्तों में अपन इन्हीं का अध्ययन करेंगे ज़्यादातर। 5वें अध्याय के 13वें पद में एक बात कही गई है जो 20वीं शताब्दी के लोग आसानी से नहीं समझ सकते हैं, बल्कि 21वीं शताब्दी के। अपन लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। यहाँ लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरे आपके जीवन में नमक इतनी आम चीज है कि प्रभु ने ये जो बात कही है इसका जो क्या कहना चाहिए, इसकी गंभीरता कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। इस समय आप दुकान में चले जाएं, किराने की दुकान में, वहाँ तमाम तरह की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। जो भी हम खरीदते हैं उसमें सबसे सस्ती चीज़ है नमक, और यदि आयोडीन ना मिला हो, वो जो क्रिस्टल के रूप में दाने के रूप में आता है, वो सबसे सस्ती चीज़ है किराने की दुकान में। जब प्रभु कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो ऐसी सस्ती चीज़ हम आज की 21वीं शताब्दी में ऐसी सस्ती चीज़ से जब तुलना की जाती है तो एकदम से मतलब समझ में नहीं आता है। लेकिन प्रभु ने ये जो बात कही थी इसका हमारे आत्मिक जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस हिस्से का अध्ययन किया जाए। यहाँ लिखा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। नमक का स्वाद बिगड़ते हुए हम में से किसी ने नहीं देखा है। नमक तो ये बड़ी एक मन में एक असमंजस आता है कि प्रभु क्या कह रहे हैं, नमक सबसे सस्ती चीज है, प्रभु क्यों कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नंबर दो, नमक का यदि स्वाद बिगड़ जाए, अपन ने किसी ने नमक का स्वाद बिगड़ते हुए शायद नहीं देखा है, तो प्रभु के कहने का क्या मतलब है। इसकी एक पृष्ठभूमि है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आजकल समाज में किसी दुकान में आप चले जाएं तो सबसे सस्ती चीज और जो चीज हर जगह मिल जाती है वो है नमक। इसके पीछे कारण है, मनुष्य ने क्रमशः इस बात को जाना कि यदि समुद्र के नमकीन पानी को
सुखाया जाए सुखाया जाए, एक एक परत जब सूख जाए तो अगली परत लाओ उसको सुखा दो, उसके बाद अगली परत लाओ उसको सुखाओ, तो सबसे आखिर में जो सफ़ेद या ब्राउन भूरे रंग का जो पाउडर बचता है वो नमक है। मनुष्य ने इस तरह से नमक के निर्माण की विधि जब समझ ली तो उसके बाद नमक काफ़ी सस्ता हो गया, लेकिन इस तरह से नमक के निर्माण को ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, मुश्किल से कुछ 100 साल हुए होंगे जब समुद्र के पानी से नमक बनाने की प्रक्रिया को मनुष्य ने सीखा और जाना, और इस प्रक्रिया का जो प्रचार है सारी दुनिया में हुआ। उसके पहले तक नमक पहाड़ों से काट के निकाला जाता था। दुनिया में कई जगह ऐसे पहाड़ होते थे जहाँ नमक के बने हुए पहाड़ थे, उसको जाके काट काट के लोग बाजार में लाकर बेचते थे। प्रभु यीशु जब संसार में थे उस समय समुद्र के नमकीन पानी को नमक बनाने की विधि नहीं थी, उस समय पहाड़ों से काट काट कर नमक लाते थे। आजकल पहाड़ों से नमक नहीं लाया जाता है। सफ़ेद नमक जिसका हम घर में प्रयोग करते हैं वो गुजरात के इलाके के समुद्री पानी से आता है, लेकिन आपको शायद ताज्जुब हो अभी भी दो प्रकार की नमक जिसका प्रयोग अपन घरों में करते हैं वो पहाड़ियों से काट के निकाला जाता है। केरल में आपको कहीं नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन उत्तर भारत में काली नमक के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। काला नमक क्या है? बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनसे काट काट के इसको निकाला जाता है, तो काला नमक वहाँ से आता है, पहाड़ों से आता है। उसी तरह से हिमालया नमक जिसको कहा जाता है, जो आजकल बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, या हिमालयी जो नमक है वो भी पहाड़ों से काट कर निकाला जाता है। प्रभु यीशु के युग में सारे नमक पहाड़ों से आते थे। पहाड़ों से नमक काट कर लाना बहुत ही कठिन कार्य था। उस समय प्लास्टिक नहीं होता था, इवन मेरे बचपन में प्लास्टिक ना के बराबर होता था, बिल्कुल ना के बराबर। नमक की एक विशेषता है कि उसको आप किसी भी बोरी में रख कर ले जाएंगे तो वो नमी को सोख लेता है। इस कारण नमक को सुरक्षित रखना भी मुश्किल है। तो प्रभु यीशु का जो युग था उस समय पहाड़ों से काट कर नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल, जिस तरह से काली नमक बड़ा यदि आपने देखा हो, उसको गधों पर लाद के हाट में लाते थे। रोज रोज हाट में लाना आसान नहीं था। दुकानों में चूंकि उस समय प्लास्टिक नहीं था हुआ करता था, दुकानों में रखकर बेचना भी मुश्किल था, इसलिए हाट में आता था और लोग हाट में जाकर साल भर की जरूरत का नमक एक साथ खरीदते थे। आप पूछेंगे साल भर में कितना? 2-4 किलोग्राम? जी नहीं, आधुनिक हमारा जो जीवन है इसमें एक परिवार साल भर में 10 से लेकर 15 किलोग्राम नमक का उपयोग करता है, ऐसा अनुमान है। जो गर्म प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह, वहाँ साल भर में नमक का प्रयोग प्रति परिवार उससे ज़्यादा होता है। मध्य पूर्व जहाँ प्रभु यीशु थे वहाँ कड़ी गर्मी पड़ती है और गर्मी में शरीर से नमक का ह्रास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्रति व्यक्ति नमक की खपत बहुत ज़्यादा थी। तो एक परिवार के लिए साल भर में इस कारण, और याद रखें आजकल एक परिवार में माँ बाप दो बच्चे होते हैं, उस समय परिवार संयुक्त परिवार होते थे, इस कारण एक परिवार में पति पत्नी बच्चे बुआ फूफा फूफी चाचा ताऊ सब मिला के 10-10, 20-20, 30-30 लोग होते थे। ऐसे बड़े परिवार के लिए साल भर में एक मन या दो मन नमक की जरूरत पड़ती थी, तो वो कोई छोटी राशि, कोई छोटा सा अमाउंट नहीं है। इतना ही नहीं, मध्य पूर्व में उस समय
जानवरों को भी नमक खिलाना पड़ता था क्योंकि गर्मी के कारण इवन जानवरों के शरीर से नमक नष्ट होता था, और नमक की मात्रा एक संख्या से नीचे यदि चली जाए तो जानवर भी मर जाते थे। उत्तर भारत में जब लू लग जाता है किसी को, जब लू लग जाती है तब सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है, नमक का पानी दिया जाता है। क्यों? शरीर से नमक का लॉस ह्रास हो रहा है, इसलिए लू लगने के एक कारणों में से एक है। उसी तरह से जानवरों को भी लू लगने की संभावना थी, तो परिवार के लिए दो तीन मन नमक, जानवरों के लिए भी उतना ही नमक लगता था, जिसका मतलब है प्रभु यीशु के जमाने में एक संयुक्त परिवार एक साल में 5 से लेकर 10 मन नमक की जरूरत पड़ती थी। ये 5 से 10 मन नमक, प्लास्टिक तो होता नहीं था उस समय, कहाँ रखते थे, बोतलें तो होती नहीं थी, आजकल जैसे बोतलें मिलती हैं नहीं होती थी, बस चीनी मिट्टी के बर्तन होते थे। चीनी मिट्टी के कितने बर्तनों की जरूरत है 5 मन से लेकर 10 मन नमक रखने के लिए। इस कारण वो लोग क्या करते थे उस जमाने में, मकान में एक कमरा, जिस तरह से अपने मकानों में बाथरूम होता है हर मकान में, उसी तरह से हर मकान में एक कोठरी बना देते थे। जिस तरह से गांव में गेहूं भरने के लिए कोठरी होती है, उसी तरह से नमक भरने के लिए कोठरी होती थी। बाजार से साल भर के लिए जो 5 या 10 मन नमक है उसको खरीद के लाके उस कोठरी में भर देते थे, और उसके बाद जैसे जैसे जरूरत होती थी हथौड़े से तोड़ तोड़ के उस कोठरी से नमक निकालते जाते थे और उसका उपयोग घर में करते थे, जानवरों को देते थे। कोठरी काहे की बनाते थे, पत्थर और मिट्टी, सीमेंट तो उस समय होता नहीं था। आज भी अपन जानते हैं 21वीं शताब्दी में गांव में मकान मिट्टी के बनाए जाते हैं, तो यदि 21वीं शताब्दी में गांव में मकान मिट्टी के बनाए जाते हैं तो आज से 2000 साल पहले जो मकान बनाए जाते थे पत्थर और मिट्टी के ही मकान होते थे, तो कोठरी की दीवार काहे की बनी होती थी, अच्छी चिकनी मिट्टी की दीवार। मिट्टी की दीवार के साथ यदि नमक को साल भर संपर्क में रहना पड़े तो दीवार का क्या होगा, धीरे धीरे वो मिट्टी नमक को एब्जॉर्ब करने लगेगी। अच्छा, नमक का क्या होगा, नमक जो मिट्टी के साथ संपर्क में है वो धीरे धीरे मिट्टी को एब्जॉर्ब करने लगेगा। उसका परिणाम क्या होता था कि साल के अंत में जब कोठरी में नमक लगभग खाली हो जाता था तो अच्छा नमक जिसका उपयोग उन्होंने किया उसके बाद दीवारों से जो चिपका हुआ नमक है बस वो बचता था। दीवारों से चिपका हुआ नमक क्यों चिपका दीवार से, इसलिए कि वहां नमक और मिट्टी एक दूसरे के साथ प्रक्रिया कर रहे थे, दोस्ती कर रहे थे, संगति कर रहे थे। संगति के कारण क्या हुआ, दीवार की मिट्टी तो बर्बाद हो गई, नमकीन मिट्टी उसका कहीं कोई उपयोग होता है क्या, नहीं। अच्छा, उससे जो संपर्क में जो नमक रहा था उसका क्या हुआ, अरे मिट्टी युक्त नमक उसका कोई उपयोग है क्या, नहीं है। तो जब प्रभु ने कहा नमक का यदि स्वाद बिगड़ जाए तो प्रभु इशारा कर रहे थे कि देखो अपन लोग साल में कम से कम एक मौका आता है जब नमक जिस कोठरी में भर दिया जाता है उसकी दीवारों से चिपका हुआ जो नमक है जो ना तो खाने के काम आता है ना ही खेतों में डाला जा सकता है। खेतों में क्यों नहीं डाला जा सकता, अरे खेती को बर्बाद कर देगा। तो वो लोग क्या करते थे, उस नमक को जो दीवार से चिपका हुआ है, नमक है लेकिन है भी नहीं भी है, उसको खुरच कर निकालते थे। जिस तरह से अपन हर साल घरों की पुताई करते हैं उसी तरह से साल में एक बार नमक कोठरी उसकी दीवारों पे जो नमक चिपका हुआ था उसको खुरच खुरच कर निकालते थे। खुरच कर जब निकालते थे तो वो काफ़ी हो जाता था मलवा, अब क्या करोगे, खेत में डाल नहीं सकते, खेती को बर्बाद करेगा। ये लोग क्या करते थे, इस तरह से जो खुरच कर निकाला हुआ नमक जो स्वाद खो चुका है
उसको हर आदमी अपने घर के सामने सड़क पर बिछा देता था। अभी भी लोग क्या करते हैं, घर में जो कचरा है, जो मिट्टी है, कई बार झाड़ू लगा के घर के बाहर फेंक देते हैं। मैं तो जिस शहर में रहता था उस शहर में देख के चलना पड़ता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी घर के गैलरी के नीचे निकलो और टनों कचरा आपके सर के ऊपर घिर जाए। 21वीं शताब्दी में ये स्थिति है। आज से 2000 साल पहले घरों से इस तरह से खुरच कर जो बर्बाद नमक निकाला जाता था वो घर के सामने डाल दिया जाता था, सीमेंट के समान। लोग जब उसके ऊपर से चलते थे तो सीमेंट के समान कड़ा हो जाता था, इससे सड़क भी मजबूत रहती थी, खेत भी बर्बाद नहीं होते थे। प्रभु ने जो इशारा किया वो इस ओर है। जब प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तो प्रभु के कहने का मतलब ये था कि जीवित रहने के लिए एक व्यक्ति को जिस तरह से पानी की जरूरत है, जिस तरह से सांस की जरूरत है, जिस तरह से भोजन की जरूरत है, उसी के समान नमक की भी जरूरत होती है। और जब प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तो प्रभु के कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु के शिष्य इस संसार में उनका होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है मैं अभी बताता हूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा कि आजकल किसी भी व्यक्ति को बुखारी में या किसी बीमारी से पीड़ित हो, उसको अस्पताल ले जाते हैं तो सबसे पहले उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है और बोतल से चढ़ाया जाता है। लोगों को लगता है कि बोतल से ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ चढ़ाई जाती है आपको मालूम है क्या? नमकीन पानी, जिसको सलाइन बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि आधुनिक जीवन में भी यदि मेरे और आपके शरीर में नमक का संतुलन बिगड़ जाए तो बड़ी परेशानी होती है। बुढ़ापे में जब नमक का संतुलन बिगड़ जाता है तो अच्छे अच्छे लोग पागलों के समान व्यवहार करते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोग, ऐसे इतना हिंसक हो जाते हैं कि कुछ पूछिए मत। सामने कोई भी आए, माँ बाप बेटा बेटी, उसके ऊपर प्रहार करते हैं। ऐसे कई हिंसक लोगों को जाकर मैंने पकड़ा है, इसलिए मैं जानता हूँ। तो नमक का संतुलन बिगड़ जाए तो बच्चा हो, मध्यवयस्क हो, बुजुर्ग हो, उसका जीवन खतरे में आ जाता है। नमक दे दिया जाए तो उसका जीवन बन जाता है। इसी तरह से जब प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तो प्रभु के कहने का मतलब है कि प्रभु ने अपने बच्चों को इस संसार में एक खास मकसद के लिए रखा है। ये संसार बहुत ही तेजी से विनाश की ओर, मृत्यु की ओर जा रहा है। जिस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में नमक का संतुलन बिगड़ जाता है तो लू के कारण मर जाता है, डिहाइड्रेशन के कारण मर जाता है, पागल हो जाता है, उसी तरह से ये संसार विनाश की ओर जा रहा है। उस संसार में संतुलन लाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार में नमक के समान रखा है। आज संध्या को जितने भाई और बहन प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, उन सब से ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपने इस बात को कभी समझा है क्या कि प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति पाने के बाद प्रभु ने आपको इस संसार में एक खास उद्देश्य के साथ रखा है? बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु हमसे उम्मीद रखते हैं, जिनमें से आज शाम को जो प्रभु हमसे उम्मीद रखते हैं उसमें से एक विषय आपको याद दिलाना चाहता हूं। और वो विषय ये है, संसार के लोग विनाश की ओर भाग रहे हैं, पागलपन की ओर भाग रहे हैं, अपने आप को नाश कर रहे हैं। जानबूझकर कौन व्यक्ति है जो अपने आप का विनाश करता है, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? ऐसे विनाश की ओर जाते हुए संसार को उस विनाश से सुरक्षित रखने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार में नमक के रूप में रखा है। कभी आपने सोचा है क्या? नमक के और भी कई उपयोग हैं जिनको अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भोजन में
सबसे ज्यादा जरूरी चीज शक्कर है या नमक है? अरे शक्कर के बिना तो खाना आराम से खा सकते हैं हम, जो डायबिटिक हैं शक्कर के बिना ही तो चाय पीते हैं, लेकिन नमक के बिना खाना गले से नीचे नहीं उतरता है, मेरे तो गले से बिल्कुल नीचे नहीं उतरता है। ठीक है, तो नमक स्वाद देने वाली चीज है। ठीक है, दूसरी बात, सूखे मेवे यदि आपने खाए हो, खासकर मूंगफली जिसको सूखा कर सुरक्षित कर दिया जाता है, उसमें हल्का सा नमक मिलाते हैं। क्यों? नमक चीजों को सुरक्षित रखता है। नमक के बिना अचार बनाया जा सकता है क्या? बनाया जा सकता है भाई, जिसकी जितनी इच्छा है बाद में मिलाकर खाए, लेकिन नमक के बिना यदि आप अचार डालेंगे 3 महीने भी नहीं होंगे आपको पता चलेगा कि अचार में फफूंदी लग गई है। तो अचार में जो नमक डाला जाता है वो भी सामान्य से अधिक, वो ना केवल स्वाद के लिए है बल्कि अचार की सुरक्षा के लिए भी है। तो नमक का दूसरा उपयोग है सुरक्षा के लिए। ठीक है, ओके, नमक का तीसरा उपयोग होता है, वो क्या है? आजकल तो आधुनिक दवाएं आ गई हैं, इस कारण अपन नमक का इतना उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बचपन में जब आधुनिक दवाएं ज़्यादा नहीं होती थी, उस जमाने में यदि किसी बच्चे का दांत टूट जाए तो गाँव में इलाज क्या करते थे? ग्लास भर नमक का पानी, हल्का सा नमकीन उसको दे देते थे कि बेटा कुल्ला करो। नमक से जब वो 4-6 बार कुल्ला करता था तो वो नसें सिकुड़ जाती थी, खून बहना बंद हो जाता था, और यदि कोई कीटाणु वगैरह वहाँ हो जहाँ घाव है तो कीटाणु मर खप जाते थे और उसको तेजी से चंगाई मिल जाती थी। तो नमक का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो यदि हम इस बात को याद रखें कि नमक ना केवल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक बात है, उसके साथ साथ ये भी याद रखें नमक स्वाद देने वाली चीज है, नमक सुरक्षा प्रदान करने वाली चीज है, नमक औषधि का गुण देती है। इस तरह से कम नमक के 3 अलग अलग उपयोग हम समाज में देखते हैं। इसके औषधि के रूप में ही वो नसों में नमकीन पानी या जिसे सेलाइन वाटर कहते हैं उसको, या सेलाइन जिसे कहते हैं, वो चढ़ाया जाता है। जब प्रभु ने कहा हे मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बिटिया, तुम जगत की नमक हो या जगत के नमक हो, तो प्रभु के कहने का मतलब था कि ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि संसार में लोगों का जीवन जिसमें कोई स्वाद नहीं है, जिसमें कोई आनंद नहीं है, उस जीवन को स्वाद और आनंद से भर दें। नंबर 2, इस संसार का जीवन जो सड़ रहा है, जो गल रहा है, उस सड़े गले जीवन को सड़ांध से बचाना, जिस तरह से नमक सुरक्षा प्रदान करता है, सड़ांध से बचाना ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 3, तमाम तरह के औषधियों में नमक का प्रयोग होता है, नमक के बहुत सारे औषध गुण हैं। इवन जब कहीं सूजन आ जाती है तो डॉक्टर कहता है कि नमक का पानी लेकर पानी से सिकाई करो। तो जो तीसरा उपयोग है नमक का, वो है औषध के रूप में। इस संसार के लोग पाप की बीमारी से ग्रस्त हैं, पाप की बीमारी के कारण उनका जीवन दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जा रहा है, विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में औषधि के रूप में काम करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है। तो जब प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तो प्रभु ने कोई छोटी बात नहीं की, प्रभु ने बहुत बड़ी बात कही। कहने का मतलब यह है, मेरे बच्चे, इस संसार के लोगों के जीवन में कोई स्वाद नहीं है, उसमें स्वाद भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। संसार के लोगों के जीवन की सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। संसार के लोगों के जीवन में औषधि गुण भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी सोचा है क्या, यहाँ जो भाई बहन बैठे हैं, आप लोगों ने कभी सोचा है क्या कि इस पृथ्वी में हमारा जीवन जो है ये व्यर्थ नहीं है? इसके पीछे एक उद्देश्य, बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिसमें से सिर्फ एक उद्देश्य आज हमने प्रभु के वचन से पढ़ा,
कई बार होता क्या है कि उद्देश्य ना समझने के कारण लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज से लगभग 25 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मैं विदेश गया। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 30 साल पहले की बात है, 30 साल पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया। बच्चे बहुत छोटे थे, पड़ोस में मेरे अंकल जी रहते थे, उनकी बच्चियां आकर बच्चों को अक्सर रोते बच्चों को उठा ले जाती थी और उनको सांत्वना देती थी। जब मैं विदेश गया तो मुझे याद आया कि देखो ये बच्चियां मेरे जीवन में कितना मदद करती हैं। मैं उनके लिए विशेष प्रकार के पेन खरीद के लाया, बहुत महंगे पेन। मैं जब उनकी उम्र में था तब ये पेन देख के बड़ा ललचाया करता था अंग्रेजों के हाथ में, काश मुझे इस तरह का एक पेन मिल जाता। तो मैंने ना केवल अपने लिए खरीदा, उन बच्चियों के लिए भी खरीदा। घर आके जब यात्रा से वापस आया तो बच्चियों को मैंने एक एक पेन दे दिए। मैं खुशी खुशी उस पेन का उपयोग करने लगा। दो दिन के बाद वो दोनों लड़कियां आई, आंटी से बोली, आंटी अंकल ने हमारे लिए ऐसी चीज दी है जिसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, आप जरा अंकल जी से कह के इसे वापस उनसे वापस लेने के लिए बोलें और इसके बदले हमको ऐसी कोई चीज दे दीजिए जो हमारे काम की है। मैंने माथा पीट लिया, कहाँ विदेश जहाँ मेरे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, वहाँ खूब पैसा खर्च करके मैंने उनके लिए महंगे दो पेन खरीदे और उनको उसका उपयोग नहीं मालूम, इसलिए वो आके माताश्री से कह रहे हैं कि उपयोग शून्य चीज हमको दे दिया है। मैंने क्या किया कि वो ले लिया, पहले तो सर पीटा, उसके बाद वो उनसे ले लिया और विदेश से लाए हुए सस्ते दो बॉल पेन पकड़ा दिए तो वो नाचते हुए चले गए। परेशानी क्या थी? परेशानी यह है कि वो जो सस्ते पेन है उसका उपयोग वो लोग जानते हैं, इसलिए नाचती हुई वो लड़कियां चली गईं। लेकिन मैंने उनको महंगे जो दो पेन विदेश से लाके दिए थे उसका उपयोग नहीं जानते थे, और उपयोग ना जानने के कारण वो आंटी से रेकमेंड करवा के वो पेन जो है मुझे वापस दे दिए। मुझे ये घटना इसलिए अचानक याद आई कि कल मैं अपना ड्रॉअर साफ कर रहा था तब उसमें से एक पेन नजर आया। अरे मैंने कहा कि यह तो बड़ी ऐतिहासिक चीज है, इसको तो सुरक्षित रखना है। कल ये बात मेरे ध्यान में फिर से आई। मेरे आपके जीवन में इसी तरह से प्रभु ने बहुत सारी चीजें दी हैं जिसका उपयोग बहुत है, लेकिन मेरी आपकी परेशानी क्या है कि उस चीज का असली उपयोग क्या है ये मैंने आपने नहीं पहचाना, इसलिए मैं और आप उसको एक उपयोग रहित वस्तु समझते हैं। मेरा इशारा मेरे आपके जीवन की तरफ है। मेरा आपका जीवन परेशानियों से भरा हुआ होगा, दर्द से भरा हुआ होगा, विपत्तियों से भरा हुआ होगा, दुश्मनों से भरा हुआ होगा, ये हम सब के जीवन में होता है। लेकिन उस बहुमूल्य पेन के समान जो व्यक्ति उसका उपयोग जानता है उस व्यक्ति के लिए वो एक बहुमूल्य चीज है। उसी तरह से यदि हम इस बात को समझ जाएं कि प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार में किस कारण से, किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से रखा है, तब हमारा जीवन एकदम से उसका मतलब हमको समझ में आ जाएगा और हमको पता चलेगा कि जीवन कितना उपयोगी है। यह है प्रभु का इशारा। जब प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो तो प्रभु कहना चाहते हैं कि यहां जो छोटे से छोटे जो दो बच्चे बैठे हुए हैं वहां से लेकर सबसे पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो अक्सर किचन में काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं यहाँ, उसके बाद नंबर अगला नंबर मेरा आता है और उसके बाद यहाँ पे बाकी सारे लोग आते हैं। हम जो जिनकी उम्र इतनी हो गई है हम लोग सोच सकते हैं कि जीवन उपयोग रहित है, ऐसा नहीं है। हम ये सोच सकते हैं कि ये बच्चे अरे यहाँ आके बैठते हैं
आपस में बात करते हैं, यहाँ जो संदेश है वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये इनका यहाँ आना बैठना ये बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वे हमारे मन को बहुत अधिक आनंद देते हैं। उनकी जगह पे कोई बूढ़ा बैठकर इस तरह से व्यवहार करे तब हमको लगेगा कि इसको तो पागल खाने में ले जाना जरूरी है। बच्चे बच्चों के समान व्यवहार करेंगे और हमारे मन को बहुत आनंद देते हैं। तो बच्चों से लेकर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति की उपयोगिता है, यह है प्रभु के कहने का मतलब। इस कारण आज शाम को पहला प्रश्न, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, क्या आपने समझा है कि आपको एक प्रत्येक उपयोग के लिए प्रभु ने रखा है? और यदि समझा है तो उस रीति से आप अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बना रहे हैं क्या? और यदि नहीं समझा है तो क्या उसके लिए आप क्या बहाना बनाएंगे? अरे, प्रभु का वचन आपकी भाषा में आपके सामने है, आप इसको रोज पढ़ते हैं और इसके बावजूद ये बात आपने नहीं समझी, तो जो भी कारण हम देंगे वो कारण नहीं, सिर्फ बहाना होगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला प्रश्न हुआ। नंबर दो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। अच्छा, ये हमने देखा, नमक का स्वाद कब बिगड़ता है? जब वो मिट्टी के संपर्क में आता है। मिट्टी इस संसार को दिखाता है। एक विश्वासी के जीवन में अलगाव होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, तुम इस संसार में रहते हो लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। तो जब हम इस संसार में रहते हैं, संसार के लोगों से संगति, दुआ सलाम, साथ में काम करना, ये सब तो होता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इस संसार के लोग नहीं हैं। और इस कारण मनसा वाच्या कर्मणा हमारे जीवन में एक अलगाव होना चाहिए। वे जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं हम उस भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वे लोग जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से प्रभु के एक बच्चे को सोचना नहीं चाहिए। कर्मणा, वे लोग जो काम करते हैं उनमें बहुत सारे काम हमारे लिए निषिद्ध हैं, हम नहीं कर सकते। एक विश्वासी के जीवन में संसार में रहते हुए भी संसार से मनसा वाच्या कर्मणा एक अलगाव होना चाहिए। यहाँ जो लोग प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, इनमें से कई लोगों ने पिछले दिनों मैंने जल अभिषेक या बपतिस्मे के बारे में जो क्लासेस लिए थे उसमें यह बात सुना होगा कि प्रभु ने जब मनुष्य की सृष्टि की तब से वो अलगाव रखा है। नमक, वो नमक जो दीवार से लगा हुआ रहता है, वो अपने अलगाव को भूलकर मिट्टी के साथ चिपक जाता है। अब वो नमक रहा क्या? नहीं। मिट्टी है क्या? नहीं। किसी के काम का है क्या? कौड़ी भर काम का नहीं है, बल्कि वो नुकसान और करेगा यदि उसको आप खेत में डाल देंगे तो, इसलिए उसको सड़क पर फेंकना पड़ता है। तो दूसरा प्रश्न जो मैं आज यहाँ उपस्थित भाई और बहनों से पूछना चाहता हूँ वो यह है कि संसार में रहते हुए हमको हमारे जीवन में जिस अलगाव का पालन करना चाहिए, उस अलगाव का पालन हम कर रहे हैं क्या? बहुत केयरफुली आज शाम को ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें। प्रभु के वचन का एक स्टेटमेंट मैंने अभी तक बचा रखा था, जिसको अब मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो किसी काम का नहीं, केवल इसलिए कि वो बाहर फेंका जाए। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मनुष्यों के पैरों के तले रौंद दिया जाए। सड़क पर जब इसको फेंक देते थे, उसके ऊपर से लोग रोज सैकड़ों हजारों लोग निकलते थे, तो वो नमक बेदर्दी से कुचल दिया जाता था। मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाना, प्रभु अपने बच्चों के जीवन में जो अनिशासन की कार्यवाही करते हैं उसको दिखाता है। जिन्होंने भी बच्चे पाले हैं जैसे मैं, और जो अभी बच्चे पाल रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बैठे हैं सज्जन हमारे बीच में, उनसे पूछिए
कि जीवन में अनुशासन, बच्चों के जीवन में अनुशासन कार्यवाही करनी पड़ती है क्या? पूछेंगे तो भाई साहब दोनों हाथ उठा देंगे, एक ही उठाना होगा, लेकिन वो दोनों हाथ उठा के कहेंगे कि हाँ शास्त्री सर, अनुशासन की कार्यवाही करनी पड़ती है। क्यों भाई? जो इस संसार में पैदा हुआ है उसका सोचना पाप से भरा हुआ है, इस कारण शरारत करेगा, हरकत करेगा, अनुशासन तोड़ेगा। उस बच्चे को वापस अनुशासन में लाने के लिए अनुशासन की कार्यवाही करनी पड़ती है। इसी तरह से यदि प्रभु के बच्चे प्रभु के प्रति उनका जो समर्पण है उसको भूलकर गलत काम करने लगेंगे तो अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी। जब प्रभु का वचन कहता है कि सड़क पर लोगों के पैरों तले वो नमक रौंद दिया जाएगा, तो प्रभु के कहने का मतलब यह है कि इस आत्मिक परिवार में ऐसे कई बच्चे हैं प्रभु के जो आत्मिक है क्या? नहीं, पूरी तरह से आत्मिक नहीं है। अच्छा ठीक है, दुनियावी लोग, दुनियावी कैसे हो गए? क्यों? वो तो प्रभु के बच्चे हैं, तो ना तो दुनियावी है ना आत्मिक है, दोनों का मिक्सचर है। ऐसा नमक कुरेद कर, खुरेच कर, दीवारों से निकाल कर सड़क पर फेंक दिया जाता है, जहां लोगों के पैरों के तले वो रौंद दिया जाए। आज प्रभु यीशु का वचन मुझे और आपको ये तीन चीजें याद दिलाता है। नंबर वन, तुम मेरे बच्चे पृथ्वी के नमक हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस पृथ्वी के लोगों के जीवन में नमक के रूप में कार्य करो। नंबर दो, ये मेरे आपके लिए जरूरी है कि हमारा स्वाद ना बिगड़ जाए, और यदि हमारा स्वाद नहीं बिगड़ना है तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम मिट्टी के साथ मिलने की कोशिश ना करें, उसके साथ चिपकने की कोशिश ना करें। नंबर तीन, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में, प्रभु के बच्चे के जीवन में इस तरह से यदि वो संसार के साथ एकजुट हो जाता है, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होते, प्रभु उसके जीवन में अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। लेकिन आज शाम को यह सत्संग, यह सभा छोड़कर जाने से पहले मेरी विनती है कि हम में से हर व्यक्ति जरा अपने जीवन को मुड़कर देखे, जांच कर देखें कि मेरे आपके जीवन में संसार से जो अलगाव होना चाहिए वो है क्या। नंबर दो, उनके जीवन में जो स्वाद भरना चाहिए, उनके जीवन में जो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनके जीवन में जो चंगाई देनी है वो हम दे पा रहे हैं क्या? यदि नहीं तो आज शाम को ये निर्णय लेकर हम यहां से जाएं, हे प्रभु जो हो गई, जो गलती हो गई वो हो गई, मुझे माफ कीजिए, लेकिन आइंदा मैं पूर्ण समर्पण के साथ जीवन बिताना चाहता हूं। इस समर्पण के साथ इस हॉल को छोड़कर जाने के लिए प्रभु सभी विश्वासियों की मदद करें। प्रभु के वचन को सुनने वाले भाइयों बहनों में से यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आज तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं ग्रहण नहीं किया है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आज शाम को प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। चार वाक्यों में मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। आज से हजारों साल पहले प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की, उसको अदन की वाटिका में रखा, लेकिन मनुष्य ने जानबूझकर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और इस तरह से पापी बन गया। पाप की सजा है मृत्यु, लेकिन प्रभु नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि कोई भी मृत्यु का भागी हो, इसलिए प्रभु ने इस संसार से जो प्रेम रखा उसके कारण अपने एकलौते पुत्र को आज से 2000 साल पहले मनुष्य रूप में संसार में भेजा। प्रभु यीशु ने सूली पर मेरे आपके लिए अपना जीवन बलिदान के रूप में दिया, और बलिदान उनका जब सफल हुआ तब वे पुनर्जीवित हो गए। उन्होंने अपने आप को लोगों को दिखाया और उसके बाद लोगों के देखते देखते पुनर्जीवन प्राप्त करने के 40 दिन बाद स्वर्ग चले गए। जाने से पहले उन्होंने दो बातें कही। नंबर वन, मैं वापस आऊंगा और जो मेरे बच्चे हैं मैं उनको ले जाऊंगा। मुझे ये यकीन है कि आज यदि प्रभु यीशु संसार में आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा, क्योंकि आज से 60 साल पहले मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था। प्रभु ने दूसरी बात ये कही थी, जाओ और संसार में सबको ये संदेश सुनाओ
कि मेरे पास आओगे मैं तुमको मुक्ति दूंगा। यह है वो उद्धार का संदेश चार वाक्यों में। यदि कोई भाई या बहन इस सभा में ऐसा है या ऐसी है जिसने इस संदेश को अभी तक ग्रहण करके यदि नया जीवन नहीं पाया है तो आज ही प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिए। यदि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आई है तो इस सभा के बाद आकर मुझसे मुलाकात कीजिए, मैं आपको वो बात और अधिक सरल शब्दों में समझाऊंगा। प्रभु आप सबकी मदद करे। प्रभु यीशु के नाम में सभी को जय मसीह की।